गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर के सर, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं हम लोग जो प्लेटफॉर्म 27 और रेलवे मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका अगला भाग। तो अभी तक आपने पार्ट 4 में 90 तक का सॉल्यूशन देखा है और आज हम 90 से आगे देखते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिए ताकि मैं उसे दूसरे तरीके से समझा सकूं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी मिलाते चले, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो और आपके लिए बेहतर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 91। एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक्स 90 डिग्री है। ऐसे बनाते हैं, एक्स 90 डिग्री है तो एक्स यहां पर बनाते हैं, एक्स बाई जेड जिसमें एक्स समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। अब आगे कहता है भुजा एक्स वाई की लंबाई 6 है, भुजा एक्स वाई की लंबाई कितना है 6, वाई जेड की लंबाई 10 है, वाई जेड की लंबाई कितना है 10। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र सी है, अब इसमें एक अंतःवृत्त बना हुआ है, अंतःवृत्त वो होता है जो भुजाओं को टच करके बने, अंतःवृत्त इसी को कहते हैं, इसका एक केंद्र है सी। चलिए 90 डिग्री तो समझ ही जाएगा, मैंने यहाँ पे केंद्र बना दिया सी। तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। अब समझिए, अंतःवृत्त द्वारा ये वाला क्षेत्र घिरा हुआ है, इसके अतिरिक्त जो त्रिभुज के अंदर ये सब भाग बच गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप तो बोलिए कि सर सीधा है, शेष भाग का क्षेत्रफल हम लोग से पूछ रहा है, शेष भाग मैंने वृत्त के छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, तो इसका तो एक ही तरीका है कि त्रिभुज माइनस वृत्त कर देंगे, त्रिभुज माइनस वृत्त। तो बोलिए सर त्रिभुज तो समकोण है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुने आधार, पाइथागोरस याद करिए, ये 6 है 10 है तो निश्चित रूप से 8 होगा, 6 8 10 पाइथागोरस में बैठ रहा है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे आधार स्क्वायर आ जाएगा, ये 8 हो गया। अब चल देंगे हम लोग क्षेत्रफल से, त्रिभुज का क्षेत्रफल शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज माइनस वृत्त, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप बोलिए कि सर 1/2 लंब 6 हो गया आधार 8 हो गया माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, बीबीआई ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या परिवृत्त के जो त्रिज्या होता है वो होता है कर्ण के आधा, कर्ण 2/2 आगे भी काम आने वाला है, मतलब हो जाएगा 10 के आधा, लेकिन यहाँ हमें परिवृत्त के नहीं पूछ रहा, अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होगा, इसमें अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है वो होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण 2/2। तो बोले सर लंब प्लस आधार तो 6 प्लस 8 और माइनस कर्ण माने 10/2 6 8 14 में से 10 घटेगा तो 4/2, यानी जो वृत्त अंदर में बना हुआ है उसका अंतः त्रिज्या कितना हो गया, तो उसका अंतः त्रिज्या हो गया 2। तो यहाँ पे क्या है, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज माइनस वृत्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब को आधार माइनस वृत्त होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहाँ आर कितना निकाले अंतः वृत्त की त्रिज्या 2 के स्क्वायर, ऑप्शन तो त्रिज्या के पाई के रूप में ही दिया है, तो इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, इसको गुना करेंगे 8 तिहाई 24, 24 में से 2 दूनी 4 पाई घटेगा, यानी हम लोग का आंसर होगा 24 माइनस 4 पाई, 24 माइनस 4 पाई आपका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन बड़ा हो तो कंसंट्रेट होकर देखिएगा, समय तो देना ही पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 92, 7 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी है, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ, नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत 2 बढ़ गया, प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए, इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब नया व्यक्ति, एवरेज में पढ़ना है, जब नया व्यक्ति शामिल हो जिसके कारण औसत बढ़ गया तो वो औसत से अधिक ही होता है, तो 7 आदमी तो पहले से था, एक और शामिल हुआ तो कुल मिला के विद्यार्थी हो गया 8, आप पूरे समूह, पूरे समूह मतलब सभी में 2 की वृद्धि, तो प्रत्येक में 2-2 की वृद्धि हो गई, तो 8ों में 2-2 बढ़ेगा तो 8 दूनी 16, तो सिंपल है जो नया विद्यार्थी होगा जो पहले वाले से 16 अधिक होगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 16 अधिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, इसे मैंने पहले ही लिख दिया कैलकुलेशन, लेकिन बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन,
सोचिए एक में से एक घटा जीरो, जीरो बटा समथिंग जीरो, अब एक में से एक जीरो बटा समथिंग जीरो, जीरो इंटू जीरो का योग रहे हो तो जीरो, इधर भी एक में से एक घटा जीरो बटा जीरो बटा जीरो बटा समथिंग कुछ भी रहेगा जीरो, जीरो में से जीरो घटेगा जीरो, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा जीरो। क्लियर है? लेकिन जब नीचे में जीरो हो तो उसका मान अपरिभाषित होता है, लेकिन ऊपर में जीरो हो तो उसका मान जीरो ही होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, ये टाइमर का क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 50, जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को घेरा भी है, क्योंकि पिछला दफा से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है, और इसका बुक के पीछे देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट में भी मान आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन से बनाने का मैंने प्रयास किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइए या तो फिर लास्ट में बनाइए, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। मिलेना और मासू का एक साथ काम करते हुए काम को 9 दिन, चलिए एम आई से मैं मिलेना लिख देता हूँ, एम ए से मासू का, मतलब ये दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना दिन लेगा, 9 दिन, लेकिन हम जोड़ को जोड़ करके बराबर 9 इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मिल के काम किया तो क्षमता भले जुट जाएगा, तो हम सब जानते हैं कि ये मैंने समय मान लिया है मिलेना का और ये मासू का, तो समय को उल्टा क्षमता होता है, लेकिन क्षमता तो बराबर हो सकता है, तो एक बटा मिलेना प्लस एक बटा मासू का बराबर हो जाएगा 1/9, 1/ मिलेना 1/ मासू का 1/9, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा बात बोल रहा है कि मासू का अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5, मासू का 2/5 करती है, मतलब मासू का कितना काम कर रही है 2/5, तो निश्चित रूप से मिलेना करेगी 3/5, 2/5 हो गया तो अब 3/5 ही काम बचेगा, तब जाके दोनों को मिला के 19.5 दिन लगता है, कितना दिन 19.5 दिन। यदि मासूका मिलेना के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम करती है तो मिलेना की अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, मिलेना का अकेले पूछ रहा है, चलिए मैं ऑप्शन से बनाने का प्रयास करता हूँ। पहला ऑप्शन है 25, यदि हम मिलेना को 25 लेके चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मिलेना के स्थान पर 25 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपको 25 से 25 जाके 19.5 में घटेगा 4.5 ये वाला 5 से तिरछा गुना होगा 22.5, 22.5 में 2 से भागा जाएगा 11.25, 11.25 को आप 11.25 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा स्थिति में यहाँ हमें 1/9 लाना है, जब इसका मान 11.25 आएगा तो 19.5 में 11.25 घटाइएगा तो 8.75 होगा, तो 8.75 और 11.25 लेके चलिएगा तो एलसीएम ऐसा नहीं आएगा कि दोनों 9 से कट जाए, तो ऐसा स्थिति में ये ऑप्शन कैंसिल, चूंकि हमें इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करना जरूरी है जैसा कि पीछे मैंने बताया, तो ऑप्शन को ही आप देखिएगा तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटने लगे यदि 0.5 को हटा के देखा जाए, तो बोले अब वो क्या सर, तो वो है 22.5, क्योंकि 22.5 25 9 2 25 9 से कट रहा है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर होना चाहिए 22.5, यानी मिलेना अकेले काम करेगा 22.5 दिन में, और कोई ऐसा नहीं है जो कट रहा है आपका ऐसा जिसका कि हम यहाँ पे मान रख के एलसीएम लेंगे तो उसके फैक्टर में 9 आ जाए। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5, आप अपने ऑप्शन से मिलाइए डी, और नहीं तो सेटिस्फेक्शन के लिए कभी भी एग्जाम है तो आप उसको लॉन्ग में बनाइएगा, बहुत लंबा जाएगा, द्विघात समीकरण बैठेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन से ही हम लोग अनुमान लगा के मार लेंगे आंसर, तो यहाँ पे हम लोग आंसर होगा 22.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंक में जमा करता है जिन पर उसे 4%, 5%, 6% का ब्याज प्राप्त होता है, वर्ष के अंत में, वर्ष के मतलब एक वर्ष में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था, तो तीनों बैंकों से कितने रुपए जमा किए। सिंपल तरीका, एसआई का मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा, सबसे लास्ट आप यही पढ़ाया हूं कि ब्याज समान हो या मिश्रधन समान हो तो मूलधनों का अनुपात ब्याज का उल्टा होता है या मिश्रधन का उल्टा, तो यहाँ 4% है, 5% है, 6% है, और समय तो सबके लिए एक ही वर्ष है क्योंकि वर्ष के अंत में बोल दिया है, हम सभी जानते हैं कि एसआई होता है दर गुना समय, तो जब कभी भी बोले कि ब्याज समान हो, यहाँ पे लिख दिया ब्याज प्राप्त हो, जिन पर उन्हें इतना ब्याज प्राप्त हो वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान हो, बराबर हो, तो बराबर हो, जब ब्याज बराबर हो तो मूलधनों का अनुपात, बड़ा ही डिटेल से मैंने पढ़ाया मास्टर वीडियो जरूर, मूलधन जो होता है ब्याज का उल्टा होता है, तो ब्याज होगा दर गुना समय 4 × 1, 4 × 1/4, 1/5, 1/6, अब इस रेशियो को सीधा करेंगे हरों के एलसीएम से सभी राशि में, गुना 5, 4, 6 का एलसीएम, तो बोले ऐसा 5, 4, 6, 60 होगा,
तो यहाँ गुना करेंगे तो 15 बार में, यहाँ 60 से 12 बार में, यहाँ 60 से 10 बार में मूलधनों का रेशियो पूछता, तो आंसर हो गया 15, 12, 10। लेकिन पूछ रहा है तीनों का अलग अलग हिस्सा, कोई बात नहीं है। 370,000 है, 370,000 की तुलना जोड़ेंगे 15, 10, 25 और 12, 37 ही होगा। तीनों भाग निकाल दीजिए, पहला ज्ञात करना है 15 से, दूसरा 12 से, तीसरा 10 से, 37 से 37 कट गया, 4 शून्य बच गया, यानी एक बार हो गया 15 पर 4 शून्य, फिर हो गया आपको 12 पर 4 शून्य 1,20,000, फिर हो गया 10 पर 4 शून्य 1,00,000, यानी कि हम लोग का जो आंसर हुआ 1,50,000, 1,20,000, 1,00,000। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए 1,50,000, 1,20,000, 1,00,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है 8 sec² x - 7 tan² x = 11 और x का मान 0 से बड़ा या बराबर या 90 से छोटा या बराबर, इसका मतलब x का मान 0 से 90 तक ही लेना है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा? अच्छा, तो या तो sec में बदल दें या tan में बदल दें, ठीक है। तो sec या tan में बदल देते हैं, चलो tan में ही बदल देते हैं। हम सभी जानते हैं 8 बराबर sec स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 + tan² थीटा, आप पढ़े होंगे 1 + tan² x हो जाएगा, क्योंकि sec² θ - tan² θ और 1 होता है, tan उधर जाएगा, तो sec² x का मान 1 + tan² x माइनस में यहाँ पर है -7 tan² x = 11। इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 8 + 8 tan² x और माइनस में 7 tan² x = 11। 8 को tan स्क्वायर में 7 को tan स्क्वायर घटेगा, बचेगा 1 tan² x, 8 उधर जाके 11 में घटेगा, बचेगा 3। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि tan² x = 3, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट, यानी tan x का मान हो गया √3। और आप सभी को पहले से पता है कि tan में √3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का, इसलिए x बराबर आपका आंसर हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई, अच्छा एक प्रिज्म है, समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, इसके आधार की भुजा, भुजाओं का अनुपात 8, 15, 17 है, तो 8, 15, 17 जैसी बोला समकोण त्रिभुज का है, पाइथागोरस लग रहा है 8, 15, 17 पाइथागोरस एकदम रट जाना है, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 6, 8, 10, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही देखे 8, 15, 17 निश्चित रूप से कर्ण ही 17 होगा, ये दोनों में से कोई भी 8 होगा 15 होगा, रेशियो दिया हुआ है। यदि तीनों पार्श्व पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर हो तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन, बोलिया कि सर प्रिज्म का ऊंचाई दिया हुआ है, प्रिज्म की ऊंचाई 21 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो प्रिज्म बना हुआ है समकोण त्रिभुज पे बना हुआ है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का ये रेशियो दिया हुआ है, निश्चित रूप में नहीं दिया हुआ, लेकिन एक बात बोला है कि तीनों पार्श्व पृथ्वी का, मतलब ये जो प्रिज्म का, प्रिज्म यहां पर होना चाहिए, प्रिज्म का कुल क्षेत्रफल 840, तो प्रिज्म का जो क्षेत्रफल होता है पार्श्व का वो क्या होता है, तो वो होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई, इसका मान दिया हुआ है आधार का 840 दिया हुआ है, क्लियर। अब चूंकि यहाँ पे निश्चित राशि इसको बनाना पड़ेगा 8x 15x 17x, अब इसको लेके चलेंगे तो ऐसे भी ये आपस में अभाज्य है, एक दूसरे में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो निश्चित रूप से इसका भुजा भी यही आ जाएगा। मान लीजिए इसके जगह पर दूसरा होता तो आपको ऐसे ही करना पड़ता, आधार का परिमाप तो 15 और 8 23 और 17 40x और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊंचाई 21 दिया हुआ है बराबर 840, 21 चौका 84, 40 से 40 कैंसल, संयोग से x का मान भी 1 ही आ गया। ऐसे भी ये आपस में अभाज्य है तो निश्चित रूप से x का मान 1 ही आना चाहिए था, तो इसलिए निश्चित हो गया कि भुजा 8 हो गया, ये भुजा 15, चूंकि x का मान एक एक रखेगा तो उतना को उतना ही हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग से पूछ रहा है प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला बता दीजिए, आपको याद होगा माइंड में रिव्यू करिए, प्रिज्म का आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल
आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। प्रिज्म का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, और प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का, बोले सर आधार तो समकोण है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा एक बटा दो गुना लंब 15 और गुना आपका 15 हो गया और आधार कितना 8, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल, और गुना ऊंचाई कितना 21। अब काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 दुनिया 8, 15 से गुना करेंगे 15 चौके 60, 60 को 26 से गुना करेंगे तो 60 को 21 से गुना करेंगे 126, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 1260 घन सेंटीमीटर, 1260 घन सेंटीमीटर आयतन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता, अकेला चलेगा तो, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर 2.25 घंटे में भर सकता है यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाए, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय, पाइप टंकी का मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा, सिंपल तरीका से पढ़ाए फिर से आ जाए, ए अकेले चलेगा तो 4.5 घंटे में, और ए के साथ यदि बी चलेगा तो 2.25 घंटे को 2.25 घंटे लिख सकते हैं, क्लियर। अब ये दिया हुआ समय, और समय के उल्टा तुरंत ज्ञात कर लीजिए क्षमता, पूरा डिटेल से पढ़ाए जरूर देखिएगा, इसका वीडियो क्लियर हो जाएगा। दो का मूल उलटना आसान होता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। अभी पॉइंट वाइंट काटने के चक्कर में क्या रहे, देखिये तो ये 2.25 है, ये 4.5 नहीं है, नहीं लग रहा कि इसका दुगना ही है, 2.25 के दुगना 4.5 होगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो काटेंगे तो 1:2 हो जाएगा, 2.25 रेशियो निकल गया। अब ए का अकेले क्षमता 1 है, ए और बी का क्षमता 2 है, तो कन्फर्म है बी का भी अकेले क्षमता 1 ही हो, देखिए 1 और 1 2, ए और बी 2। अब चल दीजिए किसी एक को लेकर चलेंगे तो लेफ्ट साइड में 4.5 आएगा, लेकिन अब देखिए कैसे कहता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाए, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दे तो टंकी भरने में कितना समय, मतलब पाइप ए पहले चला लेकिन आधे घंटा के लिए, तो पाइप ए का क्षमता कितना है 1, 1 के क्षमता से आधा घंटा, आधा घंटा दिया हो तो घंटा ही लिख देते हैं, ऐसे मिनट में रहता तो 30 मिनट लिखते, तो ए को चलाया गया आधा घंटा, उसके बाद बी को भी चालू किया गया, बी को भी मतलब ये तो चल ही रहा था, उसके साथ बी भी आ गया, तो पहले 1 भर रहा था अकेले, अब बी भी आ गया तो अब दोनों मिलकर 2 भरेगा, देखिए दोनों क्षमता 2 है, तो कई मिनट यहां से लिया 3 मिनट, आधा इधर आके घटेगा, ये 4.5 है, 4.5 में आधा घटेगा तो 2t बराबर कितना बचेगा, तो बोले 4 बचेगा, 4.5 में आधा घटेगा कितना 4, 2 × 4, यानी आप कह सकते हैं टी का मान आया 2 घंटा, यानी यदि पूछा होता कि शेष भरने में कितना घंटा लगता तो आंसर 2 घंटा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टंकी भरने में कितना समय लगा, तो दोनों मिल के 2 घंटा, आप प्लस ए अकेले आधा घंटा लिया था, कई घंटा, तो यानी टोटल टाइम आपसे पूछे तो टोटल टाइम आपका लग गया 2.5 घंटा, 2 घंटा और आधा घंटा, आप या तो 2.5 घंटे लिख सकते हैं या ऑप्शन के अनुसार 2 घंटा, आधा घंटा को 30 मिनट लिख सकते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है, मतलब उसका कुछ वेतन है, उसका 2/13 भाग खर्च करता है, खर्च करता है 2 भाग में, किस किस पर, 2 बच्चे तरुण और वरुण पर, चलिए जी उसमें कहता वरुण पर खर्च किए गए भाग का 2/3, वरुण पर खर्च किया है राशि 13,006 रुपया, जो खर्च किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है, तो अरुण का कुल कितना वेतन था, सिंपल है, रेशियो में भी पढ़ाए हैं कि कभी भी भिन्न के रूप में आए तो टोटल को इतना मानना है कि नीचे प्लस कर जाए, तो 13 और 3 का एलसीएम मान लेते हैं, मतलब टोटल 39, आप 1 भी मान सकते हैं, रेशियो आएगा 39 खर्च, तो 2/13 तो 39 टोटल वेतन 39, 39 का 2/13 तो बोले सर 6 आएगा क्योंकि 33 और 40 3 × 6, अब इसमें वरुण का दिया हुआ है 2/3, तो किसका जितना खर्च हो रहा है उसका 2/3, तो 39 में खर्च हो रहा है 6, 6 का 2/3 निकालेंगे तो 4 आएगा, देखिए 6 का 2/3 3 × 6 2 × 4, तो 6 में वरुण पर 4 तो तरुण पर कितना 2, अब रेशियो निकालने से फायदा यह हुआ कि जो पूछ रहा है वो ज्ञात कर दीजिए, वरुण का दिया हुआ है 13,006 रुपया, यहाँ वरुण का कितना है 4,
पूछ रहा है टोटल वेतन, तो टोटल वेतन कितना 40, काटिए आंसर आएगा, काटेंगे दो दूनी चार, यहां से काटेंगे सॉरी यहां पे लिखा हुआ था 13,006, दो से काटेंगे 6 दूनी 12, एक चल गया 5 दूनी 10, फिर आपका 0 और ये 3 दूनी 6। अब यहां से हम लोग गुना कर देते हैं और दो से भाग दे देंगे, 39 का पहाड़ा पड़े 39 से गुना करें फटाफट, 39 दिया होता 117, 117 के साथ बच गया कितना 11, 39 0 0 11 का एक बचा कितना 1, 39 5 195 और 1 196 बचा कितना 19, 39 को 6 से गुना करें 134, 134 39 को 6 से गुना करें 234 और उसमें जोड़ेंगे 19, तो 234 और 19 हो जाएगा 253 और बटा 2, अब 2 से भागा दीजिए, भागा देंगे 12 दूनी 24। अब जैसे ही 12 दिए तो ऑप्शन एस पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसी में है ये है 12 है 6 है 8 है 0 है फिर 8 है 0.50 है, आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना हो गया 12 6 8 0 8.50, ऑप्शन से मिला सकते हैं, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पाई चार्ट का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पाई चार्ट का, पिछला बार पूछा था जोड़ के 100% होना चाहिए परसेंट के रूप में है। नीम चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न शहरों में हुई चावल की खपत के आंकड़े दर्शाता है, यदि 2012 में चावल की कुल खपत 200,000 टन है तो नागपुर में कितना खपत, सिंपल है 200,000 तो 2 पर 5 0 लिख दिए, कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100%, 200,000 की तुलना 100 से, यहाँ पूरा पाई चार्ट जोड़ के 100, पूछ रहा नागपुर तो नागपुर का दिया हुआ है 5 तो सिंपल है नागपुर, पूछ रहा नागपुर से गुना कर देंगे 5, काटिए 200 से 200 5 दूनी 10 10,000 नागपुर का कुल खपत 10,000, आप अपने ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, चलिए क्वेश्चन तो बड़ा लिखा हुआ है लेकिन सिंपल से ही बनेगा, दो इनलेट पाइप, इनलेट पाइप उसको कहते हैं जो पानी टंकी के अंदर डाल रहा हो, आउटलेट पाइप मतलब जो पानी बाहर निकाल रहा हो, निकासी पाइप कहता है, दो इनलेट पाइप जिसमें से एक दूसरे से दोगुनी क्षमता का है, एक पाइप दो पाइप, एक जो है दूसरा से दोगुनी क्षमता का, मतलब इसका क्षमता एक है तो इसका क्षमता दो है, क्षमता का रेशियो डायरेक्ट निकल रहा है, एक है तो दो है। अब कहता साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, एक तीसरा है जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में 10 घंटा, मतलब ये 10 घंटा पूरा टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है 10 घंटे में। अब सोचिए पूरा टंकी खाली करना है, मतलब उतने क्षमता होगा जितना पूरा भरने में होगा। तो अब ये आगे बोलता है, तीनों पाइप जब एक साथ खुले हों तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, तो कम क्षमता वाले पाइप, मतलब ये वाला कम क्षमता वाले पाइप अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगाएंगे। तब पहले इसका क्षमता ही मालूम नहीं है, पता कैसे चलेगा, तो चलिए पता कर लेते हैं। मान लिया जाए एक्स के क्षमता से 10 घंटा में खाली कर सकता है, क्लियर है। तो आइए हम लोग चलते हैं, शुरू से इसका एक्स निकाल लेंगे, फिर से आइए पाइप टंकी या टाइमर का एक ही नियम है, जो दिया हुआ लेफ्ट जो ज्ञात करना राइट, इसको एक्स मानना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि समय सिर्फ इसी का दिया हुआ, इधर किसी का समय दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खुले हो तो टंकी पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, तो सोचिए कि एक्स के क्षमता से ही 10 घंटा में खाली कर रहे हैं, मतलब पूरा टंकी के क्षमता हो जाएगा 10 गुना x 10x। अब इसी को तीनों मिलके भर रहा है 2.5 घंटा में, तो जब तीनों चलेगा तो ये 2 भर रहा है, ये 1 भर रहा है, 2 और 1 3, लेकिन ये आउटलेट पाइप है इसलिए माइनस हो जाएगा, आउटलेट मतलब निकासी पाइप का क्षमता निगेटिव शो करता, तो 2 1 3 भरेगा x खाली करेगा, तो 3 - x के क्षमता से 2.5 घंटा में। हमने क्वेश्चन बोला है कि जितना टंकी की क्षमता है, तो टंकी का क्षमता पता लगाने का सिर्फ यही एक उपाय है क्योंकि इसी का समय दे ले कि 10 घंटा पूरा टंकी खाली कर सकता है, तो इसका क्षमता x मान x का क्षमता 10 घंटा में तो 10x। अब तीनों चल रहा था, 2 भरेगा 1 भरेगा, 2 1 3, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए -x 2.5 घंटे में। क्वेश्चन कर रहा है अब काटेंगे 2.5 से ही 10 कई बार में कट जाएगा, 4 बार में, 2.5 से 10 4 बार में, 4x = 3 - x, x इधर आएगा
तो ये कितना हो जाएगा 5x, चूंकि 4x x की धारा के जो बराबर 3, दैट मींस x बराबर कितना हो जाएगा, तो बोले सर x बराबर 3/5, यानी कि तीसरा जो पाइप था इसका क्षमता हो गया 3/5, लेकिन आंसर अभी नहीं आया। ये इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि समय सिर्फ इसी का दिया हुआ था। अब बोल रहा है पूरा टंकी का जो क्षमता है उसको अकेले यदि धीमा वाला पाइप भरेगा तो कितना समय लेगा, तो सिंपल तरीका मैं यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ आपको। ये 3/5 की क्षमता से 10 घंटा ले रहा है, तो बोल रहा है कि पूरा जितना क्षमता है उसको भरने में धीमा वाला पाइप, तो धीमा वाला पाइप का क्षमता कितना है, एक, एक के क्षमता से कई मिनट लेगा या कई घंटा लेगा जो भी, तो 3 घंटा काटेंगे, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, हम लोग का आंसर हो गया 6 घंटा। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, पिछला बार एक भी टाइम वर्क या पाइप टंकी का क्वेश्चन सीधा नहीं दिया गया, तो आपको तो ध्यान से समझना ही होगा प्लस दोहराना भी होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो आपका आंसर हो गया 6 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, बड़ा सिंपल। अस्फूर्ति ने, मतलब कोई नाम है अस्फूर्ति, 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपया में बेचा गया। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य क्या था, सिंपल है, 2223 में बेचा गया, कितना प्रतिशत लाभ पर, तो 17%, तो 2223 की तुलना 117 से। आप पूछ रहा है जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो गुना कैसे 100 से, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यहाँ लाभ हो रहा है तो जोड़ के 117 से, तो इसको कटना चाहिए, काट लीजिए 117 से, यहाँ पे कितना बार करें कि 22, 7 या 21 बार में कट जाए, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको छोटा करके काट लेते हैं तो ठीक रहेगा। 9 से कट रहा है, तो बोले हाँ कट रहा है, 9 से कट रहा है, 13 × 9 = 17 से ये 9 से कट रहा है, 9 × 2 = 18 बच गया 4, तो 9 × 36 बच गया 6, 9 × 7 = 63, फिर 13 से काटेंगे तो 13 × 13 बच गया कितना 11, 13 × 17 = 117, यानी 19 बार में कट गया, हम लोग का आंसर हो जाएगा 1900, यानी कि जो जूतों के जोड़े का जो क्रय मूल्य है 1900, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, चले ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल समझिएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 2.5, क्या हम 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, यस सर, क्योंकि 2.5 मतलब 2.5 है, 5/2 लिख सकता हूं मैं इसे। ऐसा लिखने का कारण यह है कि जैसे ही कॉस और कॉट में प्लस दिया है या सेक और टैन में, तो इसका माइनस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसलिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा 2/5। ट्रिगोनोमेट्री का भी सीरीज चल रहा है, जरूर देखिएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़िए तो प्लस वाला को उल्टा माइनस, माइनस वाला को उल्टा प्लस। अब इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग को निकालना है कॉस से, तो बोले सर जोड़ दीजिए ना दोनों इक्वेशन को, तो ये वाला तो घेर दिया क्योंकि इसका बराबर ये लिख दिया, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 cosec थीटा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम कितना 10, 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4, यानी 29/10 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जब 10 से भागा देंगे तो ये 2.9 हो जाएगा, उसके बाद 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cosec थीटा बराबर 2.9/2, यहाँ काटेंगे तो 1.45 आ जाएगा, हम लोग का आंसर हो गया cosec थीटा का मान 1.45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, लाभ हानि का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक खिलौने को 11/25 में खरीद कर 16% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या, तो 11/25 में खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य अपने आप में कई परसेंट, 100%, तो क्रय मूल्य की तुलना 100 से बिल्कुल एक लाइन में बनाने के लिए लाभ हानि में बताए, आप जरूर देखिएगा लाभ हानि का वीडियो, तो 11/25 की तुलना 100 से, क्रय मूल्य की तुलना 100 से, 16% हानि, तो 100 में 16 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 84, काटिए भाई 25 से तो कट ही रहा है, 25 से ये 4 बार में कटेगा, 25 से ही कई बार में कटेगा, तो 25 से ये 45 बार में कटेगा, 4 से ये 21 बार में कटेगा, 21 × 45 करिए, 21 × 5 = 105 के बाद बचा 10, 1 = 84 और 10 = 94, यानी हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 945, आंसर हो गया 945, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने पहले ही लिख दिया,
चूंकि माध्य का ज्ञात करना है और माध्य का आप क्या करिएगा, स्टैटिक्स का एक प्लेलिस्ट मैंने लोड किया है जिसे देख लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे मानक विचलन महान माध्यिका बहुलक जो भी हो, सिंपल है। माध्यिका बराबर होता है, एक सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, इसी को मैंने बढ़ते क्रम में लिख दिया है। माध्यिका कभी भी ज्ञात करना है तो बंटन को बढ़ते क्रम में लिखिए और बीच वाला माध्यिका होता है। बोले सर बीच वाला नहीं पता चलेगा, तो बीच वाला दो को जोड़ के दो से भाग दे देंगे, माध्यिका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कई गो है, बढ़ते क्रम में ही लिखते हैं, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह, तो बारह गो में, तो बारह में तो बीच वाला नहीं पता चल रहा, तो बीच वाला दो को जोड़िए, पांच को इधर छोड़ दीजिए, पांच को इधर, बच गया ग्यारह प्लस बारह, देख लीजिए पांच उधर पांच इधर, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा बीच वाला दो को जोड़ के दो से भाग, ग्यारह प्लस बारह बटा दो मतलब तेईस बटा दो, तेईस बटा दो मतलब ग्यारह दशमलव पांच, हम लोग का माध्यिका हो गया ग्यारह दशमलव पांच। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन भरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ध्यान दीजिए। एक बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता क्या है? सांद्रता मतलब जो कम रहता है उसका परसेंट निकालना रहता है, सांद्रता मतलब कम, तो यहाँ कम वाला नमक है तो प्रतिशत निकालना है, तो टोटल नीचे, तो टोटल 320 जल था और 31 मिला के 351 नीचे, जिसमें नमक की सांद्रता है 31% ज्ञात करना है 100 से, इसको काटिएगा तो लगभग में आपका आंसर आ जाएगा 8.83%। थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा, काटिएगा तो लगभग में 8.83%। आप अपने ऑप्शन से मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन में कह रहा है कि 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी छोटी संख्या को गुणा करना पड़ेगा। हो सकता है पूछ दे किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे, तो सबसे अच्छा तरीका है इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, जो सिंगल फैक्टर बच जाएगा उतना से और गुणा करेंगे। चलिए दो से तीन दूनी छह, दो एक आए दो एक गया, छह दूनी बारह, एक आठ दूनी सोलह, चार दूनी आठ, फिर दो से पंद्रह दूनी तीस, एक गया तो आठ दूनी सोलह, चार दूनी आठ, दो दूनी चार, फिर दो से लगेगा तो सात दूनी चौदह, एक गया नौ दूनी अठारह, दो दूनी चार, दो एक आए दो, उनासी इक्कीस, तो स्वयं ही नवासी का स्क्वायर है, नवासी का स्वयं ही नवासी का स्क्वायर है उनासी इक्कीस। अब ये दो को पेयर बन गया, एक पेयर बन गया दो का, तो ये भी तो पूर्ण वर्ग है, तो अब दो ये ना सिंगल बच रहा है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए निश्चित है दो से गुना करना पड़ेगा, तो बोला कौन छोटी छोटी संख्या से गुना करे, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा दो। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, निम्न पाई चार्ट प्रतिशत में है तो जोड़ के 100 और डिग्री में है तो जोड़ के 360, तो निम्न पाई चार्ट रेस्टोरेंट एक्स वाई जेड के विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी प्रदर्शित करता है। नवंबर 2017 में इस प्रकार का क्वेश्चन तो पीछे भी आया था। रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख रुपए थे, रेस्टोरेंट एक्स वाई जेड में नवंबर 2017 में अन्य बेक्ड मतलब अदर बेक्ड यहाँ पर लिखा हुआ, अन्य बेक्ड की बिक्री में कितनी आय अर्जित की। सिंपल है, टोटल 35 लाख है, 35 ही रहने देते हैं, ऑप्शन तो लाख में ही दिया है, तो टोटल अपने आप में 100% है, टोटल की तुलना 100 से अन्य व्यक्त मतलब अदर व्यक्त, तो यहाँ पर देखिए 15% है अदर व्यक्त, तो 15 से गुना करेंगे, अब काट दीजिए और क्या, 5 से काट, या तो सीधा गुना करके दो अंक के बाद दशमलव दीजिए, दशमलव में है तो गुने कर दीजिए, 15 पचे 75 के 5 बच गया 7, 15 45 और 7 52 और 100 है तो दो अंक के बाद दशमलव, लाख ऐसे भी काट के भागा देना ही पड़ेगा, ऐसे भी 100 है तो गुना करिए 100 के बदले 2 अंक के बाद दशमलव, 5.25 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, सिंबल है बस ये 1.008 बराबर भाग, इसको करना कुछ नहीं है, सीधा भिन्न में बदल देना है, दशमलव काटेंगे तो बटा में 1000 जाएगा क्योंकि दशमलव के राइट साइड 3 अंक, उसके बाद इसको क्या करेंगे भागा देंगे, तो ऐसे काट देते हैं हम लोग, इसको 8 से भागा दे सकते हैं, 8 से कट सकता है, 8 से 125 बार में कट जाएगा, और 8 से इसको भागा देंगे तो ये 126 बार में कट जाएगा। अब इसको भागा देंगे तो ये बचेगा कितना, 125 से एक बार लगाएंगे, एक पूर्णांक 1/125 बचेगा। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, एक पूर्णांक 1/125, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, टाइम वर्क, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उसको पूरा करने में ए और बी द्वारा
साथ में काम किए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी और सी साथ में काम करे तो सिंपल है, ए कई दिन ले रहा है, 6 दिन, बी अकेला करेगा तो 8 दिन, लेकिन सी जो है जितना ए और बी मिल के करेगा, तो मिल के मतलब समय को आप नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6, 8, 14 दिन ही लेगा, वो तो और कम लेगा ना, क्योंकि ये दोनों मिल के जितना दिन में करेगा, मिल के करेगा तो कम दिन लगेगा, तो निश्चित रूप से ये दोनों की क्षमता इसके कुछ ये बराबर है, जितना दिन में ये दोनों मिलकर करेगा उतना दिन में सी अकेले कर देगा, तो निश्चित आप बोल सकते हैं इसका मतलब सर ए प्लस बी की क्षमता सी के क्या है, बराबर है। तो आइए यहाँ पे कह रहा है सी उसको पूरा करने में और बी साथ में मिलकर समय के बराबर लेता है, तो समय को तो जोड़ के बराबर नहीं कर सकते हैं, क्षमता तो कर ही देंगे, इसका हो जाएगा 4:3, दोनों में उलटना आसान है लेफ्ट, तो सी का क्षमता 7 हो जाएगा, काहे कि दोनों के मिल के जितना क्षमता है उतना ही सी का है, ठीक है, क्योंकि काम कर रहा है ये दोनों जितना मिलकर करेगा उतना दिन में, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बी और सी साथ मिलकर काम करे तो कितना समय लगेगा, तो किसी एक को लेकर चल दीजिए, 4 की क्षमता 6 दिन में, 3 की क्षमता 60 दिन में, 24 आ जाएगा, तो बी और सी मिलेगा तो 7 × 3 = 10, 10 की क्षमता से d दिन में, यानी d बराबर हो जाएगा 24/10, अब 24/10 को काटिएगा, 12 × 2 = 24, 5 × 2 = 10, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 12/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, एक व्यक्ति 2000 की राशि 9.25 मतलब 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या, साधारण ब्याज सिंपल है, 2000 निवेश किया है तो 2000 मूलधन अपने आप में 100% मूलधन की तुलना 100 से, पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज होता है दर गुना समय, तो 9.25 को 4 से गुना करिए, तो बोले सर 9 × 4=36 होता है, और 0.25 4 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, यानी गुना करके कितना हो जाएगा 37, क्लियर, 9.25 को 4 से गुना करिए कितना आएगा 37, काटिए 2 × 0 = 2, 37 × 74 740, हम लोग का जो ब्याज प्राप्त होगा 740, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, सिंपल क्वेश्चन लेकिन समझने लायक, एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर, एक पार्क जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 25 मीटर है, अब कहता है इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े दो पथ हैं, समझिए ऐसे लंबवत जिसका चौड़ाई है 2.2 मीटर, चौड़े दो पथ हैं, ₹1 प्रति डेसीमीटर² मतलब डेसीमीटर में बदलना होगा कि लागत से पथों पर बजरी बजरी बिछाना है, सड़क बनाना है, के लिए कुल कितने खर्च होंगे, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में खर्च पूछे तो खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल गुना रुपया, तो बोले ऐसे रुपया तो 1 रुपया प्रति डेसीमीटर दे ले, तो क्षेत्रफल डेसीमीटर में निकाल के 1 से गुना कर देंगे, मतलब गुना 1 से करिए, तो क्षेत्रफल ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल, ये तो वर्गाकार है, तो वर्गाकार में तो लंबाई चौड़ाई सब सेम ही होगा, ऐसे मैं आपको बता दूं कि लंबवत रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a × l + b − a, जहां a हो गया रास्ते की चौड़ाई, l और b लंबाई चौड़ाई, तो यहां तो लंबाई चौड़ाई सेम है, तो बोले सर a तो हो जाएगा 2.2 × l + b, तो l भी 25 और b भी 25, 25 + 25 और फिर −2.2, ये तो हो गया मीटर में, ये मीटर स्क्वायर में, इसको डेसीमीटर में बदलना है तो 2 × 10 = 10 से गुना करना पड़ेगा, उसके बाद खर्चा निकालना है तो 1 से गुना करिए या नहीं करिए, इसको करेंगे हम लोग गुना, तो ये तो पहले 1 × 10 = 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 22 × 25 + 25, 50 में से 2.2 घटेगा तो बचेगा 47.8, 47.8 में फिर 10 से ही वाला गुना हो जाएगा, तो ये 10 के वाले पॉइंट खत्म, अब 22 का आपको पहाड़ा आ रहा है तो 22 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 22 × 176 = 6, अब 176 × 6 जैसे ही दिए तो हमारा ऑप्शन में एक के गो है, ये है एगो में भी और 6 है ए में, लेकिन उसमें 10 है, तो इसमें 10 आने की तो कोई संभावना नहीं, 10 कट गया, तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 10,516, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कह रहा है निम्न को सरल कीजिए, कैलकुलेशन है 3.6 + 6.4, 3.6 - 6.4
यहाँ पे 3.6, यहाँ पे माइनस है, 3.6 माइनस 6.4 के होल स्क्वायर। चलो भाई सिंपल ही है, डायरेक्ट ही जोड़ देता हूँ, 3.6 6.4 जोड़ेंगे 10 आएगा, इसको घटाएंगे तो सीधा 64 में 36 घटाएंगे 28, एक अंक के बाद 2.8, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस 2.8 हो गया, यहाँ पे माइनस में 2.8 और यहाँ माइनस, यहाँ भी घटाएंगे तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2.8, लेकिन उसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर प्लस बना देगा, 28 का स्क्वायर 784 होता है और एक अंक में 10। अब यहाँ देखिए ये 10 के बदले पॉइंट खत्म हो गया, ये हो गया माइनस, 28 बच गया और ये माइनस 7.8, माइनस माइनस है तो ये जुट ही जाएगा, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, अब 35 35.84 आपका आंसर हो जाएगा, 35.84 लेकिन माइनस में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। चलिए ये क्वेश्चन तो पीछे भी मिला था लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस वन बाई ए बराबर माइनस रूट थ्री, तो पूछ रहा है क्या एक्यू प्लस वन बटा एक्यू का मान, तो हम सभी जानते हैं कि होता है एक्यू माइनस थ्री है, तो यहाँ पे माइनस रूट थ्री के क्यूब और माइनस थ्री और माइनस रूट थ्री, फॉर्मूला पीछे ही बताए थे, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री रूट थ्री, चूंकि क्यूब है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री रूट थ्री, माइनस थ्री रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री जीरो, बोले सर वहां पर भी जीरो ही आया था, यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, मैंने पहले ही बताया कि कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं करना, एकदम बनाते चलना है, इस प्रकार के घटाव में कभी भी देखना है दशमलव, तो मैक्सिमम कितना अंक के बाद दशमलव है उतना अंक सब में होना चाहिए, 3 अंक के बाद मैक्सिमम दशमलव है तो सबको 3 अंक बना दो, 0 बैठा दो, यहाँ भी डबल 0, यहाँ नहीं भी है तो दशमलव देके 3 को 0 बैठाते हैं, देखिए अब सब में 3 अंक के बाद दशमलव, अभी सिंपल जोड़ घटाव बच गया, एक को प्लस में है बाकी सबको में माइनस में, घटाते चलेंगे, देखिए एक ही लाइन में जोड़ घटाव भी आपको एक लाइन में बनाना सिखाएंगे, देखिएगा 0 जीरो में जीरो घटेगा, जीरो जीरो में जीरो घटेगा, जीरो जीरो में छह घटेगा, तो अभी तक हम लोग पैसा लेते आए हैं लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा पैसा देने, जिसको घटा रहे हो यदि बड़ा हो जाए तो उसके बगल वाला को एक दे दीजिए, जीरो में छह नहीं घटेगा, बगल वाला को एक दीजिए, आपका जीरो बन गया 10, 10 में से 6 गया बचा कितना 4, सिंपल। आगे बढ़ेंगे, यदि ऑप्शन में 1 4 रहता तो आंसर मार देते, फिर आइए जीरो, जीरो में जीरो घटा जीरो, जीरो में छह नहीं घटेगा, बगल वाला को एक दो 10, 10 में 6 घटा 4, और 4 में से फिर 10 नहीं घटेगा, बगल वाला को एक दो 14, 14 में से 10 घटा फिर आ गया कितना 4, फिर आइए 0, 0 में 6 नहीं घटेगा, बगल दशमलव से कोई मतलब नहीं, बगल वाला को एक दो 10, 10 में 6 घटा 4, 4 में से फिर 9 एक 10 बन गया, 10 नहीं घटेगा, बगल वाला को एक दो कितना 14, 14 में 10 गया 4, और 4 में से 4 घटा 0, 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, दशमलव के बाद 0 4 4 एक ही ऑप्शन में है, ये जीरो दशमलव के बाद 0 4 4 एक ही ऑप्शन में है, आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल जोड़ है, मैक्सिम अभी बताया आपको मैक्सिमम कै अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद सब में 3 अंक बनाइए, 0 यहाँ भी डबल 0 दीजिए, यहाँ भी आप दशमलव दे के 000 दीजिए, उसके बाद में हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ते चल रहे हैं, इधर से आ रहे हैं 0 0 0 0 बच गया कितना 5, ऑप्शन भी साथ में देखते चलना है, यदि एक आई हो के ऑप्शन के अंत में 5 हो, देखिए एक ही ऑप्शन के अंत में 5 है ये ए में, तो हम लोग का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए, आप मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन बनाते समय खास करके कैलकुलेशन में ऑप्शन भी साथ देखते चलिए तो आपका समय बहुत बच जाएगा। आइए 17 नंबर, एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, समझिए एक भिन्न को 17/3 में, मान लीजिए कोई भिन्न x है जिसको 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, तो बोला भिन्न क्या है, मतलब x का मान निकला, सिंपल है, बोले कि जब 4 आ रहा है जोड़ने पर तो 4 में घटा दें, x बराबर हो जाएगा 4 - 17/3, यहाँ पे एलसीएम कितना 3 4 12, 12 में से 17 घटेगा तो बोलिया कि सर 5 बचेगा लेकिन माइनस में, माइनस 5 बचेगा, अब 3 से भागा देंगे तो माइनस में हो गया 3 1 3, और ऊपर 2 बच जाएगा नीचे 3, यानी माइनस में हो गया 1 पूर्णांक 2/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118,
बिल्कुल नल टंकी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, नल टंकी वाला मास्टर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने बताया है, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब एक है जो 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा है 50 मिनट में खाली कर सकता है। सबसे पहले क्षमता निकालते हैं, क्षमता जो होता है समय के उल्टा होता है, दो में उलटना आसान होता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, 50 इधर आएगा 25 इधर जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2:1, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए इसको लिखेंगे -1। क्लियर? अब सिंपल तरीका जो दिया और लेफ्ट जो ज्ञात करना राइट, तो बोल रहा है यदि वे दोनों ना एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय, तो टैंक का क्षमता क्या है, दो के क्षमता से 50 आएगा या एक के क्षमता से 50 ही आएगा, लेफ्ट साइड 50। अब दोनों खुल रहा है तो ये दो भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो बचा कितना, एक, तो एक के क्षमता से कितना मिनट, तो टी बराबर बोलिए कि सर लग जाएगा 50 मिनट यदि दोनों को खोल दिया जाए तो भरने में कितना मिनट लग जाएगा, 50 मिनट। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 कैलकुलेशन का क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे कि हर सेट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इसको इग्नोर नहीं करना है। कैलकुलेशन में बार बार बता रहा हूं कि ब्रैकेट का बात रहे तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट और हमेशा राइट से लेफ्ट कैलकुलेशन करिए, यहाँ आते आते आपका आंसर आ ही जाएगा। ये ब्रैकेट में ये मत सोचिए कि पहले घटा दें, पहले इसको करेंगे 7 × 5 = 12 ही होगा। अब ये 12 घटेगा, 9 × 6 = 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, तो 3 यहां बचेगा। अब आइए 15 × 12 = 27 में ये -3 जाएगा तो 27 में 3 घटेगा 24। अब यहाँ पे जो है ये कुछ नहीं के मतलब का होता है, और पहले ब्रैकेट के साथ का वाला काम होता है, पहले का के पीछे भाग, पहले का होगा उसके बाद भाग होगा, तो ये 1/3 से का माने गुना होगा 24 से, तो ये 3 से कट जाएगा कई बार में, 8 बार में। अब ये 8 से भाग लगेगा 56 में, तो बोले सर 8 × 7 = 56, हम लोग का आंसर होगा 7। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 समझने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी और बीएसी का द्विभाजक एओ है, यदि एबीसी 65 डिग्री एसीबी 23.5 डिग्री तो कोण डीएओ का मान क्या होगा। यदि आप ऑप्शन देखिएगा तो एक के वो डिग्री में ऑप्शन है दिला है, ऑप्शन नंबर ए आप उसको आंसर मार सकते हैं, लेकिन बोले सर हमें क्लियर बताइए कि आंसर आएगा कैसे। तो आइए यहाँ पे एक बार लंब है एक बार द्विभाजक है, तो त्रिभुज में थोड़ा बड़ा बना। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एबीसी मैंने त्रिभुज ले लिया, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एडी लंब बीसी है, एडी से मैंने बीसी लंब, बीसी पर लंब डाल दिया एडी, ये लंब हो गया। उसके बाद कहता है कि बीएसी का द्विभाजक एओ है, बीएसी मतलब इस ये वाला कोण का द्विभाजक, कोण का द्विभाजक मतलब कोण को दो भागों में बांटते हुए एओ है, तो कोण को दो भागों में बांटने का मतलब है ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या होगा, बराबर, आपस में द्विभाजक मतलब कोण को बराबर बांटता है। अब जो एंगल दिया हुआ है वो लेके चल दीजिए, बोल रहा है कोण एबीसी 65, एबीसी मतलब ये वाला कोण है 65 डिग्री, और भी कुछ कोण दिया हुआ है एसीबी, एसीबी ये वाला कोण दिया हुआ है 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री आप बोल सकते हैं। अब जरा आप गौर करिए इसको, ये वाला कितना होता है, ये त्रिभुज को देखिए, इसको ए डी बी को, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 और ये 65 है, ये 90 और ये 65 है, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता, तो ये 90 ये 65, तो ये वाला कोण ये निश्चित रूप से 25 डिग्री होगा, तभी तो जोड़ के 180 होगा, ये 25, लेकिन हमें क्या चाहिए, तो हमें बोल रहा है कि आपको ज्ञात करना है कोण डी ए ओ, कोण डी ए ओ, डी ए ओ मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब ये कोण कैसे ज्ञात होगा, तो सिंपल, ये बड़ा वाला त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग 180 होगा, जिसमें ये 65 और ये है 23.5, यदि इसको जोड़ा जाए 65 और 23 को तो कितना होगा, तो बोलिए कि सर 88.5 होगा, 88.5, देखिए 65 और 23 88, 88 और आधा मतलब 88.5, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में यदि आप 88.5 घटा दें, 180 में 88.5 घटा दें, तब बोलिए कि सर तब तो बचेगा हम लोग का 0.5, यहाँ पे बच जाएगा कितना,
नौ यानी नौ में से आठ गया एक, यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग का बच जाएगा 91.5, मतलब ये पूरा एंगल का मान आ गया 91.5। अब 91.5 में ये द्विभाजक है, मतलब आधा ये होगा और आधा ये होगा। 91.5 ये पूरा एंगल है जिसमें ये वाला बीच वाला द्विभाजक है जिसमें आधा ये होगा आधा ये होगा। तो 91.5 को यदि आप दो से भागा दे तो हो जाएगा आपका, 91.5 को दो से भागा दीजिएगा 45 × 90 होता है, यानी 45.75 आ जाएगा। तो 45.75 यहाँ से एक तरफ वाला आ गया, इधर वाला 45.5, तो ये वाला भाग इधर से इधर वाला भी तो उतने हो जाएगा 45.75। तो पूरा 45.75 में ये वाला भाग है 25 डिग्री, तो ये वाला भाग क्या होगा? तो बोले सर सिंपल है, पूरा यहाँ से यहाँ तक में यदि ये वाला भाग घटा दिया जाए तो ये वाला भाग बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इतना बराबर होगा 45.75 - 25, यानी 45.75 में 25 घटाएंगे तो 20.75 डिग्री हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही ऑप्शन में डिग्री में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 20.75 डिग्री। आपने 120 तक देखा लगातार, 90 से लेकर 30 क्वेश्चन आपने समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ सिखा पाया हूं। इसी प्रकार से आप बने रहिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर तो जरूर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। और नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।